फ्रेंड्स, आज हम दाल फ्राई बनाने जा रहे हैं, जिसको हम प्लेन राइस या जीरा राइस के साथ खा सकते हैं। उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया हुआ है, मैंने एक बड़े चम्मच मूंग दाल लिया है और एक कप के करीब मैंने अरहर दाल तुअर दाल लिया हुआ है और एक बड़ा चम्मच मैंने चना दाल लिया हुआ है। और आपके पास अगर कोई दाल है तो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक बड़ा प्याज बारीक कट कर लिया हुआ है और दो लहसुन की कलियों को भी बारीक कट कर लिया है और ये दो छोटे टमाटर को कट कर लिया है, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और ये दो सूखी लाल मिर्च है। और आपके पास अगर इलायची है तो आप इलायची भी डाल सकते हैं। और ये हींग है। अब मैंने दाल है जो उसको धुल लिया हुआ है अच्छे से, अब मैं इसमें कुकर में ही मैं नमक और हल्दी डालकर पका लूँगी। मैंने नमक कम ही डाला है क्योंकि मैं मुझे बाद में भी सारे मसालों के साथ थोड़ा सा नमक डालूँगी। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे, इसमें दो सीटी आ जाएगी तो उसके बाद हम फ्लेम थोड़ी मीडियम रख देंगे, 5 मिनट पकने देंगे, उसके बाद हमारी जो दाल है पक जाएगी। अब हम अपने दाल फ्राई करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने घी लिया हुआ है, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जैसे ही हमारा जीरा हो जाएगा उसके बाद हम सारे जो हमने लिया था खड़े मसाले उसे एक एक करके डाल देंगे। अब हमारा जीरा लगभग हो चुका है पूरी तरह से, इसमें मैं तेजपत्ता डाल दूंगी और उसके बाद मैं दालचीनी डाल दूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया क्योंकि मेरा जो घी है वो अच्छे से पक चुका है। सारी चीज़ें जो हैं पक रही हैं अच्छे से। जब हमारी सारी चीज़ें पक जाएंगी तो उसमें जो मैंने बारीक प्याज और लहसुन को कट किया था वो भी डाल दूंगी और उसे हम भूनते रहेंगे। फ्लेम को मैंने अभी फास्ट ही रखा है क्योंकि मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, तो इससे मेरी सारी चीज़ें जो हैं जलेंगी नहीं। और जैसे ही हमारा प्याज हो जाएगा उसके बाद जो मैंने दो सूखी लाल मिर्च ली थी उसे डाल दूंगी और उसे भी मैं अच्छे से भून लूंगी। और मैंने इसमें एक हरी मिर्च को भी डाल दिया है और आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसमें जो मैंने टमाटर कट किया था वो भी डाल दूंगी और उसे भी मैं अच्छे से चलाती रहूंगी। आप टमाटर को 3 से 4 मिनट के लिए किसी से ढक दीजिए ताकि ये अच्छे से गल जाए। जैसे ही हमारा टमाटर जो है अच्छे से गल जाएगा उसके बाद मैं उसमें जो मसाले डालने हैं वो डाल दूंगी। हींग पाउडर मैंने जो आपको दिखाया था वो भी उसमें डाल दूंगी। देख सकते हैं आप, मैं हींग डालने जा रही हूँ, मैंने हींग को डाल दिया है। और उसके बाद मैं सांभर मसाला डालूंगी। अगर आपके पास सांभर मसाला ना हो तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, आधी छोटी चम्मच। मैंने हल्दी दाल पकाते समय ही डाल दिया था दाल में। और मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं मेरा टमाटर जो अच्छे से गल गया है, मैंने जो दाल उबाला था अब मैं इसमें वो डाल दूँगी। और इसे डालने के बाद मुझे कम से कम 5 मिनट का समय लगेगा उबालने में। 5 मिनट उबाल के इसमें मैं बारीक हरी धनिया कट करके डाल दूंगी। उसके बाद जब ये हमारा हो जाएगा, अब मैंने इसमें बारीक हरी धनिया डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरी दाल जो है पक के तैयार हो चुकी है। अगर इस रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको और कोई रेसिपी जाननी है तो कमेंट सेक्शन में करके कमेंट बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।